अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आप भी YouTube पर कोई भी वीडियो वॉच करते हैं, किसी वीडियो की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है और किसी वीडियो की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अगर आप उसको नॉर्मल स्पीड में करके देखना चाहते हैं तो फिर भी आप देख सकते हैं, अगर उसकी स्पीड बढ़ाकर देखना चाहते हैं या कम करके देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जो तेज़ तेज़ होती हैं तो हमें समझ नहीं आ रही होती, हम चाहते हैं कि इसकी स्पीड थोड़ी कम करके देखें, तो हम उसकी स्पीड कम भी कर सकते हैं। और कुछ वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती हैं, हम चाहते हैं कि उसको हम जल्दी वॉच कर सकें, जैसे आधे घंटे की वीडियो है या एक घंटे की वीडियो है तो हम उसको जल्दी जल्दी वॉच करना चाहते हैं, तो हम उसकी स्पीड को कैसे तेज़ कर सकते हैं यूट्यूब पर, तो ये सेटिंग आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो यहाँ पे हम कोई भी वीडियो प्ले कर लेते हैं तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि हम उसकी स्पीड को कम या तेज़ कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये 10 मिनट 48 सेकंड की वीडियो है, हम इसको प्ले कर लेते हैं। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सुंबल सर्वर एंड आई एम इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। ये एक ऐसी हीरा फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कि अब इस वीडियो की स्पीड जो है नॉर्मल है। अभी हमने इसकी स्पीड को तेज़ कैसे करना है, आपको इस वीडियो के ऊपर ये जो सेटिंग ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पे प्ले बैक स्पीड पे क्लिक करते हैं। अगर आप इसकी स्पीड कम करना चाहते हैं तो आप कम करके भी देख सकते हैं, मैं आपको इसकी स्पीड तेज़ करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे 1.5x पे क्लिक करते हैं और अब इस वीडियो को प्ले करते हैं और इस वीडियो की स्पीड को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि आपने वीडियो की स्पीड को कैसे तेज़ किया। अगर आप इस वीडियो की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो फिर भी आपने इसी सेटिंग पे क्लिक करना है, प्लेबैक पे आना है और इस वीडियो की स्पीड को हम कम करके देख लेते हैं। और अब इसको प्ले करके देखते हैं कि इसकी स्पीड कितनी कम हुई है। फ्रेंड्स यकीन करता हूँ कि आपको बात समझ आ गई होगी और लाइक तो बनता ही है ना, सब्सक्राइब भी करते जाएं। शुक्रिया।